हार लीजिए इस समय पहला सेमीफाइनल। दिल्ली दबंग वर्सेज महाराष्ट्र के बीच पहली रेड के ऊपर हैं सोनी टीम के कप्तान, क्योंकि और इसी के साथ बोनस के साथ शुरुआत दिल्ली दबंग की। एक शून्य से खाता खोलने में कामयाब। कॉर्नर पे 10 नंबर जर्सी महाराष्ट्र की टीम के कप्तान मनीषा राठौर, बहुत ही शानदार प्रयास, लगता है बोनस तक पहुंच गए। टॉस भी जीता था और बोनस के साथ खाता खोलने में कामयाब है महाराष्ट्र। अंकिता 12 नंबर जर्सी में कैच कर लिया गए, बहुत ही शानदार पकड़ महाराष्ट्र की, कैच करने में कामयाब। यहां पे बढ़त महाराष्ट्र की इस समय टीम के कप्तान एक बार फिर रेड पे। महाराष्ट्र 2-1 से आगे दिल्ली दबंग के सामने, और यहां पे दिल्ली दबंग ने भी जबरदस्त कैच दिखाई है। 2-2 से बराबरी पे सोनी टीम के कप्तान दिल्ली दबंग की ओर से हवरते हुए युवा स्टार 66 नेशनल स्कूल गेम्स 2023। और यहां पे टीम के कप्तान को बाहर भेज दिया महाराष्ट्र ने, एक के बाद एक लगातार बेहतरीन डिफेंस महाराष्ट्र का। 3-2 अंक की बढ़त और शुरुआती समय में ही टाइम आउट लिया है इस वक्त महाराष्ट्र ने। देखते हैं फिर टाइम आउट के बाद क्या रणनीति रही होगी महाराष्ट्र की। 3-2 से आगे है महाराष्ट्र इस समय पहला सेमीफाइनल। जो जीता वो फाइनल में बेहतरीन प्रयास, दर्शकों का पूरा सपोर्ट महाराष्ट्र के साथ इस वक्त। हालांकि मेजबान दिल्ली त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में आयोजित ये 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23 इस वक्त अंकिता रेड के ऊपर 12 नंबर जर्सी में, और यहां कैच करने की कोशिश, साइड लाइन से बाहर भेज दिया। अच्छा कार्य करता हुआ लगातार महाराष्ट्र 4-2 से बढ़त पे, हालांकि बोनस अर्जित किया इसलिए पॉइंट दिल्ली की दरिया में। सर प्लीज इस वक्त देखेगा 7 नंबर जर्सी में महाराष्ट्र की रेडर। सानिया चली है रेड पे इस वक्त दाएं कॉर्नर पे, पॉइंट की तलाश, एक अंक पीछे है दिल्ली दबंग महाराष्ट्र के सामने। देखते हैं आखिर किस प्रकार का मुजाहरा पेश करते हैं, और यहां ब्लॉक करने की कोशिश बहुत ही शानदार, पुश करते हुए बाहर धकेला वही तक देखे, और ये पॉइंट जाता हुआ इसी के साथ महाराष्ट्र के अंगना में। 3-5 2 अंक की बढ़त, महाराष्ट्र आक्रामक खेल दिखाता हुआ शुरुआती समय में। करीब 3.25 मिनट का खेल और उसमें महाराष्ट्र मजबूत, दिल्ली 3-5। टीम के कप्तान मनीषा राठौर थोड़ा सा समय लेते हुए और परिवर्तन के तौर पे 8 नंबर जर्सी में दिल्ली दबंग की ओर से पहला सेमीफाइनल दिल्ली वर्सेज महाराष्ट्र। देखते हैं आखिर कौन सी टीम बाजी मारती है, जीतने वाली टीम फाइनल में होगी। तेजी से आगे बढ़े, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, परिवर्तन के तौर पे आई है 6 नंबर जर्सी में इस वक्त। तीस सेकेंड का समय पूरा लेते हुए और इधर से भी परिवर्तन, दाएं कॉर्नर पे लेकिन दबाव में नजर आता हुआ दिल्ली। होम ग्राउंड का फायदा उठाना चाहिए था लेकिन वो फायदा यहां पे अभी तक उठा नहीं पाया दिल्ली महाराष्ट्र के सामने। महाराष्ट्र ने जो क्वार्टर फाइनल मैच जीता था बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, हौसले बुलंद है इसलिए महाराष्ट्र के। और 5 नंबर जर्सी में यंग स्टार खामोश कदमों से ही वापस, जो टाइम आउट लिया था महाराष्ट्र ने उसके बाद दोनों ही टीमों की ओर से थोड़ा सा शिक्षात्मक रुख अपनाया है, गलतियों से बचने की कोशिश से। महाराष्ट्र के पास बढ़त है 2 अंक की, मामूली बढ़त। करीब 5 मिनट का खेल,
महाराष्ट्र 5, वहीं दिल्ली 3 पे रुका हुआ। 6 नंबर जर्सी में इस वक्त महाराष्ट्र की रेडर 4 का डिफेंस, जो कि सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन एक बार फिर विदाउट पॉइंट वापस अपने घर में महाराष्ट्र। इसी के साथ टाइम आउट लिया है दिल्ली ने, पहला टाइम आउट पहले आप में। देखते हैं आखिर क्या मंत्रणा रही होगी दिल्ली की। टाइम आउट जो लिया, इससे पहले महाराष्ट्र ने भी टाइम आउट लिया था, बढ़त महाराष्ट्र के पास, इसलिए शायद आक्रामक खेल दिखाने की कोशिश होगी दिल्ली की, होम ग्राउंड और झपट्टा मारने की कोशिश, मगर पॉइंट से दूर। मनीषा राठौर रेड में, देखते हैं आखिर मनीषा किस प्रकार की मनसा लेकर रेड पे चली हैं। एक बार फिर वही सुरक्षात्मक रूप, समझ आया करता हुआ एक बार फिर महाराष्ट्र, मामूली बढ़त 2 अंकों की, लेकिन दिल्ली चाहेगा यहाँ पे वापसी करना। थोड़ा सा अग्रेसिव खेल दिखाने की कोशिश, जो टाइम आउट लिया उसमें यही गाइडेंस रही होगी टीम प्रभारी की कि आक्रामक खेल दिखाया जाए, अन्यथा दबाव बढ़ता चला जाएगा। सात नंबर जर्सी में इस समय संभवतः पलक हैं। पॉइंट की तलाश, लेकिन एक बार फिर वही पुनरावृत्ति, लगातार एक के बाद एक विदाउट पॉइंट ही रेड नजर आ रही है। 8 नंबर जर्सी में दिल्ली की ओर से रेड, काफी फुर्ती से आगे बढ़ते हुए, बोनस का अच्छा प्रयास, बहुत ही शानदार प्रयास किया है, और इस एंगल से लगा शायद क्लियर है। जी हाँ, काफ़ी देर के बाद ये पॉइंट दिल्ली की झोली में। अब दिल्ली 4, महाराष्ट्र 5, 1 अंक की बढ़त, और यहाँ पे कॉर्नर पे दावा किया है पॉइंट का मनीषा राठौड़ टीम के कप्तान महाराष्ट्र के। ऑडियंस का पूरा सपोर्ट, देखते हैं क्या यहाँ पॉइंट मिलेगा। उधर से डिफेंडर ने भी दावा किया है कि कोई पॉइंट नहीं जाएगा, लेकिन खामोशियां। टीम प्रभारी महाराष्ट्र के इस समय रेफरी से कुछ ऑब्जेक्शन, लेकिन रेफरी का निर्णय अंतिम सर्वमान्य। मनीषा राठौड़ एक बार फिर अटैक पे है, पिछला रेड लेके आई थी, प्रयास अच्छा किया था, और यहाँ पे देखते हैं पॉइंट गवाता हुआ, तकनीकी रूप से पॉइंट गवाया है शायद मनीषा राठौड़ ने कुछ बोला, और बिल्कुल सही निर्णय यहाँ से तो लगा कि रेफरी अपनी जगह सही है। सोनी चली है रेड पे, टीम के कप्तान, टॉस जीतने में नाकामयाब रही थी सोनी, वापस आ चुका है दिल्ली 5-5 से बराबरी पे, और जिसके झोली में पॉइंट जाएगा बढ़त स्थिति होगी। ऑडियंस में काफी जोश है और पूरा इंजॉय लेते हुए लीजिए। और यहाँ पे कुछ क्षण के बाद खेल फिर से शुरू होता हुआ, दाएं कॉर्नर पे दिल्ली वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ, और जो पॉइंट पिछले राइड पे दिल्ली को दिया गया था उसमें सुधार करते हुए महाराष्ट्र की झोली में वो पॉइंट दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र 10 नंबर जर्सी में टीम के कप्तान मनीषा, बढ़त महाराष्ट्र के पास, इसलिए दबाव दिल्ली के ऊपर। 9 नंबर जर्सी में चली है ब्रेड पे, देखते हैं आखिर क्या दिल्ली वापसी कर पाएगा।
दबाव जरूर दिल्ली के ऊपर है, होम ग्राउंड उसका फायदा उठाना चाहिए था, मगर महाराष्ट्र ने जो मजबूत शुरुआत की और यहां पे शानदार कैच, बहुत ही जबरदस्त डिफेंस देखने को मिला, महाराष्ट्र बेहद मजबूत इस वक्त। 7 नंबर जर्सी में शायद पलक है, दिल्ली संकट में है, सुपर टेकल 3 का डिफेंस। समझ आया करता महाराष्ट्र, वापसी के लिए पॉइंट हर हाल में चाहिए, अन्यथा आउट होने में देर नहीं लगेगी दिल्ली को। बहुत ही अच्छा प्रयास कॉर्नर के ऊपर, तीन का डिफेंस है, कोशिश होगी महाराष्ट्र की पॉइंट अर्जित करने की, लेकिन एक बार फिर तगर जोखिम उठाए वापस मनीषा। दिल्ली संकट में है, सिर्फ 3 ही खिलाड़ी कोर्ट पे, इसलिए जब तक पॉइंट नहीं अर्जित करते तब तक खिलाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ सकती, और जब तक खिलाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ेगी सुपर टेकल का संकट टलने वाला नहीं है। यहाँ कोशिश होगी महाराष्ट्र की, और ये दीजिए, अरे वाह, बहुत ही शानदार रेड यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए, बेहतरीन रेड जिसके बदौलत बढ़त महाराष्ट्र की इस वक्त पहला सेमीफाइनल त्यागराज स्टेडियम दिल्ली, और यहां पे चारों दिशाओं से घेर लिया महाराष्ट्र बेहद मजबूत, छोड़ने वाला नहीं, गजब का तालमेल। हालांकि एक बार लगा कि शायद चकमा देने में कामयाब रही, लेकिन तालमेल इतना गजब का है, महाराष्ट्र का अंतिम बालिका ऑल आउट का खतरा रहा, आत्मसमर्पण। इसी के साथ 3 पॉइंट जाते हुए महाराष्ट्र की महानता में, यानी कि करीब 12.5 मिनट के खेल में ऑल आउट किया महाराष्ट्र ने। इधर सोनी का शानदार रेड, पॉइंट जरूर मिला है दिल्ली को, लेकिन बढ़त महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र 2.5 अंकों में, जबकि दिल्ली 6 पे रुका हुआ। दाएं कॉर्नर पे झपट्टा मारने की कोशिश, बेहतरीन इस्तेमाल किया था कदमों का, लेकिन अच्छा बचाव दिल्ली के डिफेंस का बैकफुट पे जाते हुए। इसी के साथ दूसरा टाइम आउट पहले हाफ में, रिप्लेस करना चाहते हैं एक बालिका को, अंकिता रेड पे है दिल्ली के लिए, बेहतरीन राइडर, लेकिन पीछे है मुकाबले में दिल्ली, दिल्ली बहुत दूर है दिल्ली के लिए, हालांकि होम ग्राउंड त्यागराज स्टेडियम दिल्ली, लेकिन महाराष्ट्र ने जो प्रदर्शन दिखाया है, अच्छी शुरुआत, बोनस दिल्ली, एक बालिका को रिप्लेस किया है, टाइम आउट लिया, कुछ गाइडेंस भी रही होगी, और यहां पे लीजिए गलती करता हुआ दिल्ली 2 पॉइंट गंवाए, शानदार रेड, सोनी चली है, सोनी शानदार कप्तान टीम की, उतनी बेहतरीन रेडर, क्या यहां पॉइंट मिलेगा? जी हां, 1 पॉइंट जाता हुआ दिल्ली की दरिया में, मनीषा राठौड़ टीम की कप्तान, बेहतरीन खिलाड़ी, अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23, अच्छा प्रयास। ऑडियंस पूरा एंजॉय लेता हुआ, यहां पे शानदार प्रयास, बोनस बटोरने में कामयाब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बिटवीन दिल्ली आमने सामने, पहला सेमीफाइनल
जो जीता वो सेमीफाइनल का टिकट पक्का करेगा। अरे वाह, बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया है, कुल मिलाकर 2 पॉइंट। इसी के साथ लीजिए मध्यांतर हाफ टाइम का समय। स्कोर इस वक्त महाराष्ट्र का 16 है, जबकि दिल्ली 10 पे रुका हुआ। बढ़त पहले हाफ में महाराष्ट्र ने बनाने में कामयाब रहा, और देखते हैं इस बढ़त का कितना फायदा उठा पाता है दूसरे हाफ में। लीजिए दूसरे हाफ का खेल शुरू। इसी के साथ 5 नंबर जर्सी में चला है महाराष्ट्र, बढ़त 6 अंकों की बहुमूल्य। दबाव दिल्ली पे, क्योंकि पहले हाफ में पिछड़ा और उसी का फायदा उठाना चाहेगा महाराष्ट्र। इस वक्त सोनी चली है टीम के कप्तान, सोनी देखते हैं क्या यहाँ पे सुपर एट दिखा पाएगी। कमाल का कैच किया है 6 नंबर जर्सी में। यह है महाराष्ट्र की ताकत, डिफेंस बहुत जबरदस्त होता है, शानदार ब्लॉक। अर्चना कोर्ट पे आ गई है 7 नंबर जर्सी में, लेकिन यहाँ मनीषा कंटिन्यू एक के बाद एक बेहतरीन रेड दिखाई है। टीम का दारोमदार इनके कंधों पे, जितनी बेहतरीन रेडर उतनी बेहतरीन कप्तान। टॉस जीता, अच्छी शुरुआत दिलाई टीम को बोनस के साथ, और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इस वक्त 7 अंकों की बढ़त बना चुका है महाराष्ट्र, पहला सेमीफाइनल। फाइनल के लिए संघर्ष जारी है। अंकिता 12 नंबर जर्सी में दिल्ली की ओर से बेहतरीन रेडर, और यहां देखते हैं क्या वापसी करा पाएगी टीम को। बोनस का अच्छा प्रयास, लेकिन शायद क्लियर नहीं था। पॉइंट पहुंच गए, बोनस अर्जित करने में कामयाब, 1 अंक पहला पॉइंट मिला है ये दिल्ली को दूसरे हाफ में, यानी कि दिल्ली 11 महाराष्ट्र 17। 6 अंकों की बढ़त बरकरार है। यहाँ तो केजरीवाल जी की सरकार है। त्यागराज स्टेडियम दिल्ली, देश की राजधानी, और वहीं पे यह आयोजित 66वां नेशनल स्कूल गेम्स 2022-23। एक से बढ़कर एक स्टार गर्ल्स मुकाबला जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। दूसरे छोर पे बॉयज के मुकाबले चल रहे हैं, और यहाँ पे अच्छा प्रयास किया अंकिता ने। क्या बोनस तक जाएगी? नहीं। तेजी से बढ़ते हुए यहाँ पे 5 नंबर के दर्शे में, कद ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक जो खेल दिखाया। कमाल का कैच किया है, ऐसा ही ताकत चाहिए दिल्ली को, तभी मैच में वापस आ सकता है सोनी। 12 स्कोर बढ़ता हुआ दिल्ली 17 के सामने, अच्छा नियंत्रण, तेजी से आगे बढ़ी थी, लेकिन 5 का डिफेंस है। कॉर्नर पे अच्छा बचाव किया पीछे हटते हुए, और पॉइंट यहां पे महाराष्ट्र के सामने। अर्चना झूरिया चली है इस समय, छलांग, अरे वाह, लेकिन अच्छा बचाव किया दिल्ली के डिफेंस ने, वापिस पिछले पांव पे जाते हुए, और फिर से वही तकनीकी। अर्चना रचनात्मक पॉइंट लेने की कोशिश है। सोनी चली है रेड पे, 5 अंक की बढ़त है महाराष्ट्र के पास, जबकि दूसरे आपका खेल। और यहां पे अच्छा कार्य किया, सोनी को बाहर भेज दिया महाराष्ट्र के अंगना में ये पॉइंट, और टाइम आउट यहां पे टीम कोच ने लिया है, पहला टाइम आउट दूसरे हाफ में महाराष्ट्र का। मनीषा फिर से रेड पे है, महाराष्ट्र की बेहतरीन खिलाड़ी अंडर 19। क्या यह पॉइंट मिलेगा? देखते हैं हाकिम, हौसले कितने बुलंद हैं। दावा तो जरूर है महाराष्ट्र का, लेकिन स्वीकार भी नहीं दिल्ली के डिफेंडर को। जी हाँ, पॉइंट महाराष्ट्र के अंगना में, बिल्कुल सही फैसला। अंकिता रेड पे है, दिल्ली 13 जबकि महाराष्ट्र 19, 6 अंकों की बढ़त कायम है। प्रयास अच्छा किया, जी हाँ, ईमानदारी का परिचय दिया बोनस के साथ, यानी 2 पॉइंट कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 15 जा पहुंचा है दिल्ली का। अब सिर्फ 4 अंक की बढ़त है महाराष्ट्र के पास है। दूसरे हाफ का करीब 5 मिनट का खेल हो चुका है,
15-5 का मुकाबला, यानी अब 10 मिनट का खेल ही बाकी है। कोशिश तो यही है कि वापसी की जाए दिल्ली की, लेकिन महाराष्ट्र यहाँ पे पूरा समय लेता हुआ लगभग हर राइड के ऊपर। मनीषा ग्यारह नंबर जर्सी में इस वक्त सानिया कैच करने का कोशिश, और यहाँ पे छुड़ाने में तो कामयाब लेकिन संभाल लिया महाराष्ट्र ने शायद। अच्छा कार्य किया अर्चना ने, पॉइंट महाराष्ट्र की झोली में। कमाल का डिफेंस, हालांकि एक बार लगा कि शायद सानिया पहुंच जाएगी लक्ष्य तक, लेकिन डिफेंस इतना कमाल का और तालमेल इतना जोरदार है महाराष्ट्र का कि आसानी से जाने नहीं देते। पूरा समय लेता हुआ महाराष्ट्र इस समय सोनी चली है इस वक्त कैच करने का कोशिश, मगर यहां गलती की है महाराष्ट्र ने। सोनी की शानदार रेड एक पॉइंट के साथ स्कोर जाता हुआ 16 जा पहुंचा है दिल्ली का, जबकि महाराष्ट्र 21 यानी 5 अंकों की बढ़त अभी भी कायम है महाराष्ट्र के पास, और देखते हैं इस बढ़त को कितना और मजबूत कर पाता है या फिर दिल्ली वापसी करता है। दूसरे आपका खेल चल रहा है, जो जो खेल बढ़ रहा है दबाव उतना ही मेजबान दिल्ली के ऊपर। समय एक बार फिर से वही टेक्निक, समय पूरा लिया जाए। अरे वाह, बोनस लेने में कामयाब ये हैं क्लेवर कप्तान और रेडर मनीषा। यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, जी हाँ, अच्छा निर्णय रेफरी का। शारीरिक भाषा शैली से पहचान गए थे, और जब आपके पास अनुभव है तो आसान होता है इस प्रकार के निर्णय देना। मनीषा एक बार फिर रोमांचक होता मैच, सेमीफाइनल इसलिए लाजमी है क्योंकि दो मजबूत टीमें आमने सामने, दिल्ली वर्सेज महाराष्ट्र, लेकिन बढ़त है महाराष्ट्र की बरकरार। सोनी एक बार फिर से, क्या एक बार फिर बेहतरीन रेड दिखा पाएगी सोनी? यहाँ शायद गुमराह किया है, अरे वाह मिल गया पॉइंट। अर्चना झूरिया को बाहर भेजा कॉर्नर के ऊपर निशाना बनाते हुए। वापसी करने की पूरी कोशिश की जा रही है दिल्ली के लिए। मनीषा आसानी से बाज नहीं आती, कैच करने की कोशिश करेंगे तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अच्छा प्रयास किया है लेकिन शायद क्लियर नहीं था। सोनी टीम के कप्तान भी हैं और बेहतरीन रेडर भी हैं, और यहां गलती करता हुआ 2 पॉइंट गवाए हैं महाराष्ट्र ने, और अब यहां कुछ हद तक वापसी करता हुआ महाराष्ट्र। अब सिर्फ 2 अंक की बढ़त है महाराष्ट्र के पास, यानी कि अब वापसी कही जा सकती है। एक अच्छी रेड दिल्ली को मैच में वापस ला देगी। अब क्या बढ़त बना पाएगा दिल्ली? कैच करने की कोशिश, और यहां पे कैच कर लिए गए जो सबसे बेहतरीन रेडर थे, हालांकि बोनस तक पहुंच गए। अब देखते हैं आगे का खेल कैसा रहता है। ऑल आउट करने में कामयाब पहली बार दिल्ली महाराष्ट्र को दूसरे हाफ में, और यहां पे सोनी को बाहर भेज दिया। अच्छा कार्य किया इस वक्त महाराष्ट्र की बालिकाओं ने, और यहां पे देखे थोड़ी सी छिटा खसी लेकिन सुरक्षित। मनीषा चली है रेड पे, एक अंक की बढ़त है इस वक्त महाराष्ट्र के पास, जो कि काफ़ी नहीं कही जा सकती, बहुत मामूली ना के बराबर, और समय तेजी से बढ़ता जा रहा है। और यहां देखिए पहुंच गई शानदार रेड मनीषा राठौर टीम की कप्तान, गजब का प्रदर्शन अंकिता, और वो पॉइंट दिल्ली को दिया गया है जो पहले महाराष्ट्र का दिया गया था। वो कड़ी टक्कर, बराबर की चुनौती पहले सेमीफाइनल में दिल्ली महाराष्ट्र आमने सामने।
और यहाँ पे देखिए पहुंच गए, देखते हैं 2 से 3 सुपर रेड होगा भैया, ये मुश्किल में महाराष्ट्र, और 3 पॉइंट जाते हुए सुपर रेड दिल्ली की, पहली सुपर रेड, पहली बार दिल्ली भड़त पे महाराष्ट्र के सामने, और लग रहा था शायद महाराष्ट्र जीत तक पहुंच जाएगा, लेकिन दिल्ली ने क्या गजब की वापसी की है। पिछला जो 3-4 मिनट का खेल उसमें दिल्ली ने दमदार प्रदर्शन, और इसका श्रेय खास तौर से सोनी को ही जाता है, डिफेंस भी अच्छे दिखाए हैं दिल्ली ने, और जो वापसी की लाजवाब, अब समझ आया करता दिल्ली, कुछ देर पहले महाराष्ट्र समय व्यतीत कर रहा था, हर रेड के ऊपर पूरा समय ले रहा था, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी, मेजबान ग्रेट कमबैक, 4 का डिफेंस मनीषा के ऊपर ही दारोमदार होगा महाराष्ट्र का। अंतिम 5 मिनट का खेल बाकी, दिल्ली के पास बढ़त है, लेकिन ज्यादा बढ़त नहीं, ये शानदार रेड हो गए, अर्चना झूरिया झोजते भी झूम बराबर झूम, पॉइंट अर्जित किया है, और अब बढ़त शायद 1 अंकी दिल्ली के पास, क्या होगा मैच में कहना मुश्किल है। त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में, और यहाँ पे सोनी को बाहर भेजा है, जी हाँ, ये अच्छा किया, कप्तान को बाहर का रास्ता दिखाया है, और इस वक्त एक बार फिर मैच में वापस महाराष्ट्र। लीजिए अर्चना झूरिया चली है इस वक्त महाराष्ट्र के पास, 1 अंक की बढ़त है, महाराष्ट्र 29 जबकि दिल्ली 28, बेहद कड़ी टक्कर, चुनौती आसान नहीं, किसकी होगी जीत कहना मुश्किल, रोमांचक मोड पे मुकाबला, पहला सेमीफाइनल अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम्स, और यहाँ पे शानदार टेकल किया है, एक बार लगा कि शायद चकमा दिया है अर्चना झूरिया ने, लेकिन झूझते हुए शानदार डिफेंस दिल्ली का एक बार फिर, और स्कोर एक बार फिर लेवल 29-29, अंकिता चली है रेड पे, देखते हैं पॉइंट किसकी तरफ जाएगा, पलड़े बराबर हैं, तराजू की तरह मैच तुला हुआ, तराजू बंटवारा कर देती, किले में 1000 ग्राम आधा आधा बंटवारा होता, जब 500-500 ग्राम मनीषा राठौर तेजी से बढ़ते हुए आगे पहुंचे थे, क्या यहां बोनस मिलेगा, देखते हैं आखिर, प्रयास गजब का था, अनुभव का फायदा उठाते हुए इस समय मनीषा 10 नंबर जर्सी में महाराष्ट्र के लिए, बेहतरीन कप्तान उतनी ही शानदार रेडर, बोनस अर्जित करने में कामयाब, जी हाँ, और फिर से बढ़त पे है महाराष्ट्र, 1 अंक के 30 अंकों पे जा पहुंचा इस समय महाराष्ट्र, वहीं दिल्ली 29 के ऊपर, समय 3 मिनट का, और यहाँ पे अच्छा कार्य किया, साइड लाइन से बाहर भेजकर पुश करते हुए धक्का इतना जोर से दिया, शायद महाराष्ट्र यहाँ दिल्ली को इस प्रतियोगिता से बाहर भेज रहा है, क्योंकि बढ़त इस समय 2 अंक की है महाराष्ट्र के पास, और समय लगभग 2 मिनट का बाकी, 2 से 2.5 मिनट का खेल शेष है, और उसमें 2 अंक की बढ़त है, इसलिए समय पूरा लेता हुआ महाराष्ट्र इस वक्त। अंकिता फिर से चली है, दबाव जरूर होगा दिल्ली पे, 1 पॉइंट यहां पे गवाने की कोशिश, ताकि समय जाया, 1 से अधिक पॉइंट ना लें, और यहां पे 1 पॉइंट दिल्ली के दरिया में, बढ़त अभी भी महाराष्ट्र के पास, 1 अंक की, मनीषा तेजी से एक बार फिर आगे बढ़ते हुए समय पूरा लेना चाहेगी, क्या मैच टाई होगा, यदि मैच टाई होता तो फिर सुपर रेड के लिए जाएगा, त्यागराज स्टेडियम दिल्ली, बोनस ऑन है, अच्छा प्रयास किया है एक बार फिर मनीषा, महाराष्ट्र के मंसूबों पे, अंतिम 1 मिनट का समय, रेफरी का इशारा, 60 सेकंड बाकी, सोनी रेड के ऊपर है दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के पास बढ़त है मामूली 1 अंक की, क्या बढ़त को बरकरार रख पाएगा महाराष्ट्र, या फिर, और यहां पे शानदार कैच किया है लीजिए, यहां महाराष्ट्र जीत की तरफ बढ़ता हुआ, जीत की खुशबू आने लगी है, सोनी को एक बार फिर बाहर भेजा, और अब बढ़त 2 अंक की हो चुकी है, देखते हैं यहाँ पे अर्चना झूरिया चली है, करीब 35 से 40 सेकंड का समय, और ये समय
बेशकीमती। दिल्ली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक एक सेकंड बहुमूल्य, लेकिन महाराष्ट्र लगता है जीत की तैयारी करता हुआ यहाँ पे। इसके बाद केवल एक ही रेड हो सकता है, 30 सेकंड के आसपास समय बाकी। ये रेड शायद अंतिम हो सकता है, यहाँ पे 2 अंक की बढ़त है, इसलिए 1 पॉइंट गंवाया है महाराष्ट्र ने। और अब ये अंतिम रेड होगा, यदि समय व्यतीत किया तो भी 1 पॉइंट से जीत होगी महाराष्ट्र की। 1 अंक की बढ़त और ये अंतिम रेड महाराष्ट्र की ओर से मनीषा राठौर टीम के कप्तान। रेड पे चले हैं फिर से, क्या पॉइंट अर्जित कर पाएगी? यहाँ पे पॉइंट गवाया है और इसी के साथ मैच बराबर टाई हो गया। लीजिए, मैच टाई हो गया। अब सुपर रेड होगी, देखना ना भूलें, सुपर 5 रेड। आखिर अंतिम रेड के ऊपर गलती की महाराष्ट्र ने, टीम पर भारी संतुष्ट नहीं है जो गलती की महाराष्ट्र ने, लेकिन ऐसा रोमांच बहुत कम देखने को मिलता है। टाई जो मुकाबला हुआ है, सुपर रेड के लिए तैयार रहिएगा। त्यागराज स्टेडियम से एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त गजानन दोबड़ा आपको वापस ले चलते हैं। जैसे सुपर रेड शुरू होंगी मैं फिर हाजिर रहूँगा। शुक्रिया।